कनाडा में निर्वासित जीवन जी रही पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच रविवार को मृत पाई गई थीं। पुलिस का कहना है कि उनके पास शक का कोई कारण नहीं है, लेकिन करीमा के परिवार और समर्थकों का कहना है कि उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए। बीबीसी ने उनके परिवार से बात की, जिनके मुताबिक वो साहस का पहाड़ थीं। करीमा मेहराब, जिन्हें करीमा बलोच के नाम से जाना जाता है, साल 2008 में वो अपने एक्टिविज्म से संबंधित आरोप की वजह से पाकिस्तानी कोर्ट में जज के सामने खड़ी थीं। जज ने कहा कि वे उन्हें कम सजा देंगे क्योंकि वे एक महिला हैं, लेकिन करीमा ने इसके लिए मना कर दिया। करीमा के भाई समीर बताते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो बराबरी के आधार पर ही दीजिए, मुझे मेरे जेंडर की वजह से रियायत मत दीजिए। ये तो बस एक मिसाल थी कि वो असाधारण महिला अपने उसूलों की कितनी पक्की थी। करीमा पाकिस्तानी अथॉरिटी से टकराती रहती थी। वो उन्हें तब से ही कांटे की तरह चुभती थीं, जब से वो गुमशुदा लोगों के लिए की गई एक रैली में अपने लापता रिश्तेदार की फोटो पकड़े सबसे आगे खड़ी थीं। तब पाकिस्तानी अथॉरिटी उनका नाम नहीं जानती थी, लेकिन उसके बाद के सालों में उनकी पहचान बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई करती एक कार्यकर्ता की बन गई। साल 2006 में करीमा बलोच छात्र संगठन BSO की केंद्रीय समिति में शामिल हो गईं और बाद में उसका नेतृत्व करने लगी। उनके परिवार को पता था कि इस भूमिका के साथ क्या खतरा साथ आएगा। समीर बताते हैं कि जब करीमा बच्ची थी तो उनकी माँ बलूचिस्तान के संघर्ष के बारे में बातें करती थीं। उनके मामा और चाचा दोनों ही आंदोलन में शामिल थे, वे दोनों भी जानते थे कि क्या हो सकता है। पाकिस्तान की सेना पर आंदोलन को बल से दबाने का, कार्यकर्ताओं के लापता होने का आरोप लगा। सेना इन आरोपों को खारिज करती रही है। इन कई बरसों में करीमा के कई रिश्तेदार लापता हुए और बाद में मृत पाए गए। समीर ने भी 2006 में पाकिस्तान छोड़ दिया था और 2017 से वो कनाडा में करीमा के साथ रहने लगे थे। उन्होंने बताया, मुझे डर था कि उसे कुछ हो जाएगा। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता अगर कुछ हो जाता, लेकिन धीरे धीरे ये डर गर्व में तब्दील हो गया क्योंकि मैंने देखा है कि उसने क्या किया है। करीमा आगे बढ़कर नेतृत्व करती रहीं, तब भी जब BSO को 2013 में प्रतिबंधित कर दिया गया और सरकार ने आरोप लगाया कि संगठन पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए विदेशी चंदा ले रहा है। उनकी छोटी बहन महगंज बलोच कहती हैं, मैं उनके साथ हर प्रदर्शन और धरने पर जाती थी ताकि कोई समस्या होने पर मैं आसपास ही रहूं। लाठीचार्ज होने या आंसू गैस छोड़े जाने के वक्त मैं पागलों की तरह उन्हें ढूंढते भागती रहती थी। BSO के बैन होने के दो साल बाद 2015 में करीमा को इसका नेता चुना गया। 7 दशकों में ये पहली बार था कि किसी महिला को संगठन में ये भूमिका मिली थी। समीर ने कहा, उन्होंने आंदोलन को न सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बदला, बल्कि वो महिलाओं के लिए भी बराबरी चाहती थीं। उन्हें पता था कि हम अपने समाज को तब तक नहीं बदल सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक पितृसत्ता को नहीं बदलेंगे। लेकिन करीमा जिस भूमिका में थीं, वो खतरों से भरी थी। उनसे पहले आए अध्यक्ष का अपहरण किया गया था और उन्होंने एक सहयोगी के तौर पर उनकी रिहाई के लिए भूख हड़ताल की। अध्यक्ष बनने के कुछ महीनों बाद ही उन पर आतंकवाद के आरोप दर्ज कर दिए गए। फैसला हुआ कि उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। उनकी मां जमीला बलोच याद करती हैं, मैं 2015 की वो शाम नहीं भूल सकती जब मैंने नमाज खत्म ही की थी और वो आई, मेरी गोद में अपना सिर रखा और कहा कि वो बहुत दूर जा रही है। मैंने पूछा कि क्यों, तुम तो कभी विदेश नहीं जाना चाहती थीं, अब क्यों जा रही हो? तो उसने कहा कि ये उसके संगठन का फैसला है। कुछ साल पहले उसे किसी पश्चिमी देश ने वीज़ा दिया था, लेकिन उसने नहीं जाने का फैसला किया था। उसने कहा था कि वो बलूचिस्तान के अलावा कहीं और रहने का सोच ही नहीं सकती, लेकिन इस बार उसे बस कुछ ही दिन लगे तैयारी में और वो चली गई। एयरपोर्ट पर मैंने उससे कहा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्द लौट आए। मैंने अपने आंसू रोके, वरना वो अपना फैसला बदल देती। अब मुझे लगता है कि काश मैं रो दी होती। करीमा ने कनाडा के टोरंटो में अपनी नई जिंदगी शुरू की, लेकिन उन्होंने मानवाधिकारों के लिए और जबरदस्ती लोगों को लापता करने के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। विस्थापन के कुछ साल बाद उन्हें BBC की 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। उस वक्त उन्होंने BBC को बताया था, मुझे पता है कि मेरे सहयोगी के साथ जो हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है। मैं अपने एक्टिविज्म से भाग नहीं रही, उसे फैला रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए शरण नहीं ली है। मैं यहाँ पर दुनिया को बताने आई हूँ कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जब हमने देखा कि दुनिया हमारी तरफ नहीं आ रही, तो हमने उसकी ओर जाने का फैसला किया, ये बताने के लिए कि हमारे साथ हमारे घर में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है।
लेकिन इतनी दूर जाने के बाद भी पाकिस्तान से उन्हें मिलने वाली धमकियां खत्म नहीं हुई। जब वे कनाडा में थीं तो उनके चाचा का अपहरण कर लिया गया। उनकी बहन महगंज ने बताया कि परिवार को कहा गया कि करीमा अपना एक्टिविज्म बंद करें, लेकिन करीमा ने इनकार कर दिया। महगंज ने बताया कि जिस दिन कनाडा में करीमा जज के सामने शरण की अपील के लिए उपस्थित हुई, उस दिन उनके चाचा का शव परिवार को लौटाया गया। समीर ने बताया, जज ने उन्हें कहा कि वो सुनवाई को स्थगित भी कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी कहानी बताने आई हूँ। समीर अब भी सोचते हैं कि शरण के केस ने इतना लंबा वक्त क्यों लिया। क्या पाकिस्तान पीछे से इसकी मुखालफत कर रहा था? जानने का कोई तरीका नहीं है। उनके दिमाग में कई सवाल हैं, लेकिन उन्हें पता था कि कोई उन पर नजर रखे हुए था। करीमा को एक दिन फोन आया और कहा गया कि वो पाकिस्तान लौट जाएं। उस शख्स ने उस दिन के बारे में भी बताया जब करीमा समीर के 3 साल के बेटे के साथ टोरंटो के एक स्थानीय पार्क में घूम रही थी। उस इंसान ने करीमा से कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं। समीर ने कहा, किसी साधारण इंसान के लिए ये सब काफी डरावना होता, लेकिन मुझे लगा कि वो नहीं डरी, वो डरती ही नहीं थी। करीमा के एक करीबी दोस्त और सहयोगी कार्यकर्ता लतीफ जोहर बलोच भी टोरंटो में ही रहते हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि करीमा को हाल ही में अनजान लोगों से धमकियां मिल रही थीं कि कोई उन्हें क्रिसमस को तोहफा भेजेगा और उन्हें सबक सिखाएगा। करीमा के पति और बीएसओ के पूर्व सदस्य हमल बलोच बताते हैं, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कब उसे चिंता में या डरे हुए देखा था। मुझे मालूम था कि बलूचिस्तान में एक बार उनके घर पर भी हमला हुआ था और कैसे उनकी गिरफ्तारी के लिए बार बार छापे मारे जा रहे थे। जब वो बीएसओ के लिए अंडरग्राउंड होकर अपना काम कर रही थीं, उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। इनमें से किसी भी बात का असर उन पर नहीं पड़ा। वो साहस का पर्वत थी। परिवार नहीं जानता कि रविवार को क्या हुआ। उन्हें बस इतना पता है कि वो घर से सैर के लिए निकली। जब वो वापस नहीं लौटी तो परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। अगली सुबह उनका शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक उनका शव ओंटेरियो झील के पास मिला, लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलिस ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। पुलिस ने अपने बयान में कहा, टोरंटो पुलिस जानती है कि इस केस को लेकर समुदाय और मीडिया में काफी दिलचस्पी है। इस केस की परिस्थितियों को जांचा गया है और पुलिस अफसरों के मुताबिक ये गैर आपराधिक मौत है और किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं जताई गई है। करीमा की मां उनकी मौत की खबर सुनकर रोई नहीं। उन्होंने कहा, करीमा एक मजबूत शख्स थी और मेरा रोना उसे अच्छा नहीं लगता। जब मैंने खबर सुनी तो लगा कि सातों आसमान मेरे ऊपर गिर पड़े, लेकिन कोई आंसू नहीं आया। जो रास्ता उसने चुना था वो उसका सोचा समझा फैसला था। वो अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि बलोच गुमशुदा युवाओं के लिए लड़ रही थी। समीर नहीं मानते कि उनकी बहन की मौत के पीछे कोई असामान्य बात नहीं। उन्होंने बताया कि इस साल की शुरुआत में स्वीडन पुलिस ने शरण में रह रहे उनके दोस्त और बलोच कार्यकर्ता साजिद हुसैन की मौत को लेकर यही कहा था कि इसके पीछे कोई गड़बड़ नहीं है। साजिद भी 2 मार्च को उपसाला शहर में लापता हो गए थे और 23 मार्च को उनका शव फायरिस नदी में मिला। बताया गया था कि उनकी मौत डूबने से हुई है। समीर कहते हैं, पुलिस अफसर हमें जल्द से जल्द मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का निष्कर्ष है कि उनकी मौत आत्महत्या से हुई है। वो तो पूरी जिंदगी ही डिप्रेशन में रही है, लेकिन अब तो उन्हें यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई थी। उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया गया था। चीजें बेहतर हो रही थी। मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ, लेकिन उनके अतीत को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें इस मामले में शक करने का अधिकार है। समीर कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन का दोस्त खो दिया और बलोच अधिकारों के आंदोलन ने पुरुषों से भी बेहतर एक नेता खो दिया। 4 साल पहले बीबीसी से बात करते हुए करीमा ने कहा था कि उन्होंने कभी अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा था, वो मेरे साथ है। कभी भी बलूचिस्तान वापस जाने का फैसला मेरा है। मैं ये फैसला पाकिस्तान को नहीं लेने दूंगी।